हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएससी रजिस्ट्रेशन में एक खास डॉक्यूमेंट लगता है हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उसके बिना आप सीएससी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, जो जिसके बारे में आप थंबनेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यानी कि हम इस वीडियो में बात करेंगे कि टीजीसी सर्टिफिकेट के लिए आप रजिस्ट्रेशन कैसे कीजिएगा, उसका आईडी पासपोर्ट कैसे मिलेगा आपको और टीजीसी सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके हम सारी डिटेल्स बताएंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं और हमेशा लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टीईसी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का। सिंपल से आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करके टीईसी के ऑफिशियल डैशबोर्ड पे आ जाना है। कुछ इस तरह से आपको टीईसी का ऑफिशियल डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है लॉगिन पोर्टल। यहाँ पे दो तरह का पोर्टल देखने को मिल जाता है। फर्स्ट तो यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी सीएससी है, आप टीईसी सर्टिफिकेट में एग्जाम नहीं दिए हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे सीएससी लॉगिन करके टीईसी के सर्टिफिकेट का एग्जाम दे सकते हैं। और नहीं तो ये हमारा पब्लिक लॉगिन होता है, जिसे हम सीएससी यानी कि सर्टिफिकेट कोर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप देखने को मिल जाता है। सिंपल से हम यहाँ पे मतलब रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे आपको फॉर पब्लिक यूजर देखने को मिल जाता है दो तरह का ऑप्शन। फर्स्ट में तो यहाँ पे लॉगिन देखने को मिल जाता है, सेकेंड में रजिस्ट्रेशन देखने को मिल जाता है। तो लॉगिन तो आपके पास लॉगिन का एक्सेस नहीं होगा। तो लॉगिन करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कुछ इस तरह से निकल कर आ जाएगा। सिंपल से आपको यहाँ पे क्या क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे अपना नेम इंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है। और नेम मोबाइल नंबर आपको सही सही इंटर करना है, क्योंकि आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे सेंड किया जाएगा और नेम आपके आधार कार्ड के अनुसार जो नेम होगा वही मतलब कि आपके सीएससी में मतलब फैच किया जाएगा। अगर आधार कार्ड के अनुसार नेम आपका नहीं रहता है, तो वहाँ पे आधार जो या ऑथेंटिकेशन होता है, ई केवाईसी होता है, तो वहाँ पे आपका मतलब कि वेरिफिकेशन नहीं होगा और आप टीसी के थ्रू सीएससी सर्टिफिकेट नहीं अप्लाई कर सकते। यानी कि आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट आपका बुड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस भी आपको सही सही इंटर करना है। उसके बाद फादर स्पॉन्सर मदर नेम यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो आपके आधार कार्ड पे अपना फादर नेम देख कर यहाँ पे इंटर करना है। इस समय कोई गलती नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है स्टेट। सिंपल से आपको यहाँ पे स्टेट चूज करना है कि किस स्टेट से आप आते हैं। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिए कि किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जेंडर देखने को मिल जाता है कि आपके जो वैलिड डॉक्यूमेंट है उसके आधार पर जेंडर आपका क्या है। उसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है, जो गवर्नमेंट आईडी पे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर करना है। नहीं तो वहाँ पे गलती हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको टीसी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करने में। उसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस इंटर कीजिए जो आधार कार्ड के पीछे रहता है, जितने भी एड्रेस है सिंपल से आपको यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो का साइज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि 50 KB से नीचे का होना चाहिए या 50 KB तक होना चाहिए, और जेपीजी और पीएनजी फाइल में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा इंटर करना है, ये देखने को मिल जाता है। सिंपल से आपको ये कैप्चा इंटर कीजिए और यहाँ पे सबमिट कीजिए। चलिए फटाफट ये डॉक्यूमेंट सारा चीज़ फिलअप करके हम आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे ही सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से मतलब कि रजिस्ट्रेशन पेज आपका ओपन हो जाएगा और पेमेंट गेटवे पे आपको ले जाया जाएगा। पेमेंट गेटवे पे यहाँ पे आपको 1480 रुपया का अराउंड राउंड फिगर 1480 रुपया का आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो पेमेंट आप कार्ड के मोड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, या यूपीआई या जो भी आप चाहे वो उसके मदद से आप कर सकते हैं। सिंपल से आपको यहाँ पे क्यूआर भी जनरेट कर दिया जाएगा। अगर आप क्यूआर से पेमेंट करना चाहते हैं तो क्यूआर से यहाँ पे पेमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ से आपका क्या होगा कि आईडी पासवर्ड है वो आपके पेमेंट करने के कुछ ही देर में आपके आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपका आईडी पासवर्ड मिल जाता है। अगर इन केस क्या होता है कि मान के चलिए आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है लेकिन आपका आईडी पासवर्ड नहीं मिला है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको वेट करना है, कुछ देर तक वेट करना है। वेट करने के बाद 1 से 2 घंटे में या 12 घंटे के अंदर आपके पास आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन आ जाना है। लॉगिन पे आने के बाद क्या करना है आपको, जो यूजर आईडी पासवर्ड मिला है सिंपल से आपको वो यूजर आईडी पासवर्ड फिलअप करके यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। और यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि एक टीसी सर्टिफिकेट पे एक ही सीएससी आईडी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
तो आप एक ही मतलब यहाँ पे कीजिए। और उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका सीएसई डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। सीएसई डैशबोर्ड में सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पिक देखने को मिल जाता है, यहाँ पे अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे अपना यूजर आईडी देख सकते हैं, यहाँ पे आपका नेम देखने को मिल जाता है, और कब आपका सर्टिफिकेट इशू आई मीन जो कब आप एंट्री किए हैं सीएसई में वो देखने को मिल जाता है, आपका लैंग्वेज यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लर्निंग पे क्लिक करना। लर्निंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टोटल 11 मॉड्यूल दिया गया है, सिंपल सा आपको इसको पढ़ लेना है। जो प्रिंट प्रिंट आउट करना चाहते हैं यहाँ पे पीडीएफ में मटेरियल मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है वीडियो में, ये इंग्लिश में वीडियो है, उसके बाद ये हिंदी में वीडियो है। तो आपको क्या करना है, हर एक मॉड्यूल को ध्यान से पढ़ना है, और ध्यान से पढ़ने के बाद यहाँ पे फाइनल असेसमेंट पे क्लिक करना। फाइनल असेसमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपका जो एग्जाम हो जाएगा उस पे यहाँ पे जो लॉग लगा रहता है वो लॉग खत्म हो जाएगा, और यहाँ से आपका पास दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके आपको सारा एग्जाम क्लियर कर लेना है, यानी कि टोटल 10 मॉड्यूल यहाँ पे आपको दिया जाएगा, 10 का एग्जाम पेपर क्लियर करना है, और फाइनली आपको यहाँ पे टेक फाइनल एग्जाम पे क्लिक करना है। अगर ये एग्जाम पास करना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे हमारा नंबर देख सकते हैं कि कितना हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है, तो अगर ये आप यह एग्जाम पास करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, हम आपका आसानी से यह एग्जाम पास कर देंगे। उसके बाद फाइनल जो एग्जाम होता है वो लाइव एग्जाम होता है, टेक फाइनल एग्जाम पे क्लिक करना है, और यहाँ पे लैंग्वेज चूज करना है, और उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद फाइनल एग्जाम में मतलब कि आपको पेपर देने के बाद टीसी सर्टिफिकेट आपका इशू कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है सीएसई के फाइनल एग्जाम के लिए। फाइनल एग्जाम कैसे देंगे वो हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको कट करते हैं और मतलब कि बैक चलते हैं, और यहाँ का सारा प्रोसेस आपको बताते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे मान के चलिए कि आपके पास टीईसी सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है, तो क्या आप मतलब कि ये जो नंबर है टीईसी नंबर उसके अनुसार आप सीएससी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बिना एग्जाम दिए? तो हाँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना एग्जाम दिए कर सकते हैं टीईसी से सीएससी का रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब आपका अप्रूवल आएगा यानी कि कॉन्टेक्ट किया जाएगा डीएम के थ्रू, तो आपको यहाँ से सबसे पहले तो आपको एग्जाम क्लियर करके आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, नहीं तो कुछ घूस वूस खिला दीजिएगा तो आपके सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है। आप आसानी से मतलब कि आपको यहाँ पे सीएससी आईडी मिल जाएगा। सीएससी आईडी देने में लगभग 10,000 5,000 सबसे लेता है, तो उतना मत दीजिएगा, 1 से 2 हज़ार रुपया दे दीजिएगा, वहाँ से आपका सीएससी आईडी अप्रूव कर दिया जाएगा। बस यही हमारा प्रोसेस होता है, और अप्लाई कैसे करेंगे वो हम दूसरे वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम टीसी सर्टिफिकेट के बारे में ही जानना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए धन्यवाद।